हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्शन करने वाला हूं। वीडियो देखेंगे हम गुड बाय पीडीएम और उनका जो टाइमिंग थी असेंबली तोड़ने वाली वो हो चुकी है एंड उन्होंने असेंबली तोड़ दी क्योंकि इलेक्शन डेट बढ़ानी थी आगे, इसलिए है ना, इतना मुझे पता है। और देखेंगे हम गुड बाय पीडीएम, इमरान खान से मैसेज टू द नेशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम। दोनों की हुकूमत ख़त्म हो रही है जी। हाँ, ये दोनों की हुकूमत ख़त्म हो रही है। दगड़ दोनों की हुकूमत अभी कायम है। दगड़ दल्ला की हुकूमत पिछले 75 साल से कायम है। दगड़ दल्ला, और वो आगे भी कायम रहेगी। जी हाँ, इतनी आसानी से दलों की हुकूमत की तरह दगड़ दल्लों की हुकूमत नहीं जाने वाली। उसके लिए बहुत एहतजाज करना पड़ेगा और अमन तरीके से। हाँ जी, समझ लग रही है। तो ये जो दल्ले हैं ये सारे मिल बैठे और जाने से पहले इन्होंने पुरतयश किस्म के खाने खाए, खाबे खाए, उसके बाद जो दुनिया का झूठ है वो बोला और चलते बने। ये समझते हैं कि कौन बेवकूफ़ है और जो ये बकवास करते हैं बगैरत सारे रल के, यकीन कीजिए अब तो भिखारी पे गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि इस किस्म का वाह याद बगैरत ज़हनी मंजूर है। ज़हनी मरीज नहीं, क्योंकि ज़हनी मरीज भी कई बार ठीक हो जाता है। यह है ज़हनी मजूर, ज़हनी मजूर ठीक करने वाला नहीं है। जी हाँ, इसकी तमाम तर कोशिशें, काविशें जो इसका दौरे हुकूमत था ज़बरदस्ती का मुसलत किया हुआ, सिर्फ एक कामयाबी इसकी ज़रूर है, वो हम सबको माननी चाहिए कि जो इसने बूट लिशकाए हैं। जी हाँ, इस ओहदे पर बैठ के इस ओहदे का वकार जो बुलंद किया है इसने, आज तक कोई बिल्कुल रियल फोटो लग रहा है। ये तो लम्बा ही पै गया बगैरत। बूट पॉलिश करो, बड़े बड़े तुम्हारे बड़े भाई ने बूट पॉलिश किए बैठ के, तुम बैठ के कर लो। ये लेट गया, इसने लेट के वो बूट पॉलिश किए और बूट पॉलिश करवाने वाले भी उनको भी 21 तोपों की सलामी है कि वो इसी में खुश हो गए कि वाह भाई कमाल पॉलिश किया, कौम मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और अभी जो करप्शन के स्कैंडल निकलेंगे वो अलग होंगे, क्योंकि ये खाऊ पीऊ अभी इतने ही टाइम में इन्होंने बहुत खाया, करेक्शन और कर, अब ये जा रहे करप्शन निकला होगा इस किया होगा। और इस ख्वाब के साथ जो कि मुझे उसकी तबीर भी होती नज़र आ रही है कि ख्वाब इनका यही है कि ये दगड़ दल्लों के साथ मिलकर दोबारा अपनी हुकूमत बनाएंगे दल्ले, और इसी तरह मुल्क कौम को खाते रहेंगे, बूट पॉलिश करते रहेंगे। ये सारे के सारे गिद हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो मंडला रहे हैं, और खूब खुशी से ये जा रहे हैं कि ये वापस आएंगे। और बूट पॉलिश करवाने वालों ने भी इनको बड़ी तसल्लियाँ दी हैं कि ठीक है पुत्र, अगे भी तुसी हो, क्योंकि अवाम जब कह रही है इमरान खान को सामने रखते हुए कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, और दगड़ दल्ले कह रहे हैं कि असी भी वाह ही आती हैं तो बाज नहीं आना। जी हाँ, वो भी बगैरतियों से बाज आने पब्लिक यही बोल रही है। ये सिलसिला आप देखें कब तक चलेगा। और उसके बाद इमरान खान जो अटक जेल में कैद हैं, बड़े हौसले के साथ वो जेल काट रहे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको मजबूर किया जा रहा है कि किसी तरह वो टूट जाए, लेकिन वो खान है, वो टूटने वाला है ही नहीं, वो बना ही नहीं टूटने के लिए, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। क्या बात है। खान दिलेरी से मुकाबला करते हुए ये मैसेज भी भेज रहा है अंदर से कि 14 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाए, पाकिस्तान का परचम लहराया जाए। अच्छा, पब्लिक कह रही है हम नहीं मनाएंगे, वो कह रहे हैं कि मनाओ, नारे भी लगाए जाएं। और जो ये जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं भिखारी, पीडीएम, उनके हैंडलर्स, उनमें हम हरगिज़ नहीं आएंगे। इंशाल्लाह बड़ी ही खुशी से और खुश उसलूबी से पाकिस्तान के झंडे के साथ पीटीआई का झंडा भी हम लहराएंगे इंशाल्लाह। आज बड़ी कोशिश की बुकला ने, जो कि कभी तारीख में ऐसा नहीं देखा ना सुना कि इतनी बड़ी तादाद में बुकला जो हैं, बड़े बड़े नाम जो हैं, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। जी हाँ, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने ऐसी की थैसी फेर के रख दी, दिलावर हरम दे दी। जी हाँ, और उसके बाद जो बड़ा हरमद है, जो सारे केस इमरान खान के अपने पास लगाता है, उसी हाई कोर्ट में होता है, उस हरमदे को बताया कि बगैरता
ये बेगैरती मत करो, हमें सब नज़र आ रहा है कि तुम टाउट हो, बेगैरत हो, सारे केस अपने पास लगा के और बेन साबित करते हो, नान साबित करते हो। तो आज इतनी ज़बरदस्त तरीके से तमाम वकला ने जो वहाँ पर बहस की, वहाँ पर दलाइल दिए, और समझ यही आ रहा था कि जैसे दलाइल हक और सच का अगर फैसला होता है, यकीन कीजिए आज इमरान खान बाहर होते जेल से। लेकिन आपको पता है कि सब तो बड़ा हरामदा वो इसलिए वहाँ पर बिठाया गया है हरामदा कि इमरान खान के केस को अब डिले किया जाए और इमरान खान को जो सख्तियाँ उन पर डाली जा रही हैं वो उनको लंबे अरसे तक थोड़ा चलाया जाए। लेकिन कब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जितने मर्जी हरामद ले आओ, खान डट के खड़ा है और कौम भी डट के खड़ी है खान के साथ। खान ने इंशाल्लाह बाहर आना ही आना है और प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह बनना ही बनना है, लेकिन उसने सिर्फ ये कहकर अपनी जान छुड़वाई वो की नाम रहा हरामद ने कि मैंने डॉक्टर के पास जाना है। अब ये सब लोगों को लग रहा है कि यार ये जो कह रहा ना डॉक्टर के पास, ये सिर्फ ये डिले करने का बहाना लगा रहा है और कुछ नहीं। और मैंने भी बाबा जी से रब्ता किया, बाबा जी को मैंने पूछा कि बाबा जी क्या कह रहा है ये डॉक्टर के क्यों जाना है इसने, कल समाज क्यों नहीं कर रहा दोबारा, हर रोज़ समाज होनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं शक नहीं करना चाहिए, वो इस बात में सच्चा है, वो उसको वाकई डॉक्टर के जाने की ऐसे जरूरत है। मैंने कहा बाबा जी क्या हुआ? बाबा जी कहते हैं कि वो जी हाँ कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। बाबा जी कहते हैं कि वो हैंड्रेस ने जो छोटा सा कीड़ा डाला था ना इस हरामदे में उसको निकलवाने के लिए सांप बन गया बड़ा। अब उस सांप को डेली खुराक की जरूरत होती है, तो इसलिए ये डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जो सांप इसके अंदर घुसा हुआ ना कीड़ा उस कीड़े को दवाई देता है तो वो शांत हो जाता है, कीड़े को खाना जाना देता है। इसलिए ये हरामदे जो है ये वापस आके इस किस्म के फैसले देता है, तो इसलिए वो सच्चा है, उसने जाना है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसके कीड़े को दवाई शवाई देगा, ये असल में बात है। तो उसके बाद बाबा जी से मैंने ये भी पूछा कि बाबा जी ये जो सब तो बड़ा बेगैरत है लफाफों का सरबरा जो छुपा हुआ था बड़े अच्छे से, छुपा नहीं होता, हम सबको पता है कामी पुत्र माँ दा दुद्ध पींदा गां जी, ये लफाफों का सरबरा जो है इसकी बड़ी वीडियोस भी चल रही हैं कि 7,000 रुपया लेता था, ये टाउट था बहुत बड़ा, तो टाउट हमेशा टाउट ही होता है, आज भी टाउट है। तो ये मैंने कहा बाबा जी जो बकवास कर रहा है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की बेगम के खिलाफ, ये क्या चक्कर है, क्या हिसाब था बाबा जी? बोलते हैं साहब का कुछ नहीं यार, ये मामला असल में ये है कि हैंडर्स ने ना इसकी कोई चीज़ बांधी हुई है जी और लंबी सारी डोरी लगाई हुई है इसको। बाबा जी कहते हैं जब इससे कुछ ना कुछ बकवास करवानी होती है ना तो इसको फ़ोन शेयर नहीं करते, वह बस वो डोरी को खींचते हैं जोर से और इसकी चीखें निकलती हैं और ये फिर ओल फोल जो भी बकवास है इमरान खान के खिलाफ वो करना शुरू कर देता है। इतनी सी सारी बात है, बाबा जी समझते हैं कि सबको मेरी तरफ से मुबारक दे देना कि ये धरनों की हुकूमत ख़त्म हो गई है। मैंने कहा बाबा जी वो मैं दे दूँगा मुबारक, बाबा जी समझते हैं ये भी बता देना कि अब डिप्टी की हुकूमत आ रही है, डाले वाली हुकूमत, हाँ जी स्टॉक मार्केट अब जाएगी ऊपर और अब होगा रुपया मुस्तहकम लकी समझ और डिप्टी इमरान खान का मैसेज था 14 अगस्त के लिए कि मनाए या ना मनाए जाए। इमरान खान ने कहा कि मनाओ, धूमधाम से मनाओ, मैं अंदर हूँ तो क्या हुआ, जश्न तो मनाओ। बात यह है कि इमरान खान के अंदर जाने के बाद मैंने बहुत कुछ कमेंट्स भी पढ़े थे, अपने ही वीडियोस पर पढ़े थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यार 14 अगस्त मनाएंगे नहीं, तो लोग बोल रहे हैं कि यार इमरान खान अंदर है इसलिए वो हमारे लिए मतलब अच्छा नहीं है, हम लोग बल्कि उल्टा वो करेंगे, अफसोस मनाएंगे कि इमरान खान अंदर है तो हम 14 अगस्त ना मनाएं, क्योंकि हम इमरान खान अंदर मतलब हम सब अंदर, तो वो वाला सीन था। लेकिन अब इमरान खान का मैसेज अंदर से आया है, जैसा कि इस वीडियो में ये बता रहे थे कि लोग मनाएं, तो आप लोग क्या करोगे अब बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी पीडीएम हुकूमत चली गई है, सीन ये है कि मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इन्होंने इसलिए गिराई है गवर्नमेंट अपनी के इलेक्शन को जितना ज़्यादा टाल सकें, 90 दिन तक टाल सकते हैं अब, पहले वैसे तो जल्दी किया जाता लेकिन अब 90 दिन तक टाल सकते हैं।
तो आप क्या कहते हो, अगर खुद ब खुद गिरती वैसे असेंबली डिसॉल्व नहीं करते तो इलेक्शन जल्दी हो जाते, तो आपको क्या लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? एंड करते हैं फिलहाल इस वीडियो को, बाय।